अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों की मांग है कि उनका कर्जा और बिजली का बिल माफ कर दिया जाए, साथ ही बारिश की वजह से उनकी जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा उन्हें दिया जाए। किसानों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह को विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने बताया कि किसानों का धरना लगातार जारी है, लेकिन सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है, जिसका खामियाजा 2024 में सरकार को भुगतना पड़ेगा। संजय चौधरी ने कहा कि अन्नदाता आज भूखे मरने की कगार पर हैं। आपदा के बाद किसानों की फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, फिर भी सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। संजय चौधरी ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों का बड़ा बड़ा कर्जा रातों रात माफ कर देती है, लेकिन किसानों का धरने पर बैठने के बावजूद भी कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है। आने वाले समय में जल्द ही रणनीति बनाकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।